हेलो एवरीवन, आई एम गौरव। आज फिर मैथ्स के 10th क्लास के एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। जैसे जैसे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप फटाफट रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए और हमारी इस बेस बिल्डर फैमिली का मेंबर बन जाइए। लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल, पॉली प्लस नोमियल means, poly means many, nomial means terms, many terms, meaning आपको बताया, definition of, an algebraical expression है, consist of constants and variables with whole number power. Constants क्या है? Constant जिनकी fixed value है, 1, 2, 3, so on. Variables क्या है? X, Y, A, B, C, अल्फाबेट जितने भी हम यूज करते हैं वो वेरिएबल्स हैं हमारे, और इनकी पावर, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर 0, 1, 2, 3, सो। नाइन्थ क्लास में सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल था हमारा, उसमें आपने पढ़ा पॉलिनोमियल एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल बनती है, कब होती है, जब उसकी पावर, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर। एग्जांपल छोटा था, अगर 1 बाय एक्स लिखा हुआ है, इट मींस एक्स की पावर -1, एक्स ऊपर जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। पावर नेगेटिव होगी, इट मींस ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन नहीं है। पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। और पावर बाय में नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर 1/2, वाई की पावर 1/3, एक्स वाई कुछ भी यूज हो सकता है, वेरिएबल ए बी सी भी हो सकता है, वाई की पावर 1/3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसके साथ आपको एक चीज और बताऊं, जीरो पॉलिनोमियल लाइक 3 लिख दिया मैंने, क्या ये पॉलिनोमियल है? 3 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट? यस, इट इज पॉलिनोमियल। How? 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दी मैं, किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है? 1। जिसकी पावर 0 उसका आंसर 1, तो ये आंसर 3 रहेगा, 3 एक्स की पावर 0 और 3 एक ही बात है। अगर ये एक ही बात है तो इस पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, जब वेरिएबल की पावर 0 या कॉन्स्टेंट है जो वो सारे 0 पॉलिनोमियल है हमारे। ध्यान रखना, अभी पॉलिनोमियल के पार्ट्स डिवाइडेशन है बेसिस पे, किस बेसिस पे डिवाइडेशन है आइए जरा देखते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टर्म्स बेसिस, कितनी टर्म्स हैं? अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, टू टर्म्स हैं बायनोमियल, थ्री टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, हम यूज यहीं तक करते हैं, बट मोर देन थ्री टर्म्स हैं टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, सोन चलता जाएगा और हम उसे पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। डिग्री बेसिस पे लीनियर, जिसकी डिग्री 1। डिग्री क्या है? डिग्री इज अ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कितनी है? जिसमें मैक्सिमम पावर 1 है, टर्म्स कितनी मर्जी हो
मैक्सिमम और वन होनी चाहिए वो लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसमें मैक्सिमम पावर टू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर थ्री है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें मैक्सिमम पावर फोर है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखते हैं हम सभी के, मोनोमियल एक्स पावर कितनी मर्जी, पावर कुछ भी हो सकती है, एक्स की पावर 100 मोनोमियल, बस दोनों में एक होनी चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं। बायनोमियल टर्म टू होनी चाहिए, एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 20 टू टर्म्स है, एग्जाम्पल कैसा भी हो सकता है एक्स प्लस वन सिंपल एग्जाम्पल। ट्राइनोमियल तीन टर्म होनी चाहिए, पावर कुछ भी 36 प्लस एक्स बार 1 2 ले लेते हैं प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंपल एग्जांपल भी। ट्राइनोमियल में टर्म 3 होनी चाहिए लीनियर, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो लाइक एक्स और एक्स प्लस 1, दो एग्जांपल लिए हमने इसके एक्स और एक्स प्लस 1, बट पावर एक होनी चाहिए 1 होनी चाहिए इसकी पावर 1, टर्म्स चाहे कितनी भी हो लेकिन 2 टर्म से ऊपर इसमें आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, बिकॉज एक्स प्लस 1 प्लस 2 मैं लिख भी दूं तो इसका मतलब क्या है एक्स प्लस 3। क्वाड्रेटिक में आते हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंपल एग्जांपल। टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी इसका एग्जांपल है। क्यूबिक, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टर्म जितनी भी हो बट मैक्सिमम पावर, पावर आप समझ रहे हैं 3 होनी चाहिए, x 3 प्लस 1 टू टर्म भी हो सकती हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से भी हो सकती है, 3 टर्म भी हो सकती हैं, 2 3 4 टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं टर्म, टर्म्स का कोई फंडा नहीं है इसमें, इसमें पावर का फंडा है सारा। बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी पावर 4 हो, जितना मर्जी लिख लीजिए, लिख लीजिए आगे x की 4 मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए इसमें, 4 पावर मैक्सिमम होनी चाहिए, ध्यान रखना ये चीज। ये थी पॉलिनोमियल की डिवाइडेशन और इसका बेसिक क्लियरली पूरा हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ये आपको 2.1 में 6 पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें वो क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू पी एक्स, ये ग्राफ जो है ना y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन x ग्राफ, फाइंड द जीरोस गिवन हमें ये है और फाइंड करने के लिए जीरोस, जीरोस x की वैल्यूज को जीरोस कहते हैं, वैल्यूज जीरोस, रूट्स भी कह सकते हैं हम आगे आगे इसे समझेंगे रूट्स को क्या क्यों कहेंगे इसे, x की जो वैल्यूज है वो फाइंड करनी है इन ग्राफ में से, ग्राफ में से देखनी है कितने कितने जीरोस हैं, वैल्यूज कितनी है। आइए जरा y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन x, मतलब जो इक्वेशन या पॉलिनोमियल है ना वो हमारी x में है पॉलिनोमियल, तो x वाली एक्सिस पे कितनी बार कट कर रही है जो लाइन आ रही है ग्राफ की वो उतने ही जीरो है इसमें, ये जो ग्राफ की लाइन है x एक्सिस y एक्सिस तो होगी ओरिजिन, और जो ग्राफ आया है वो x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, कट ही नहीं कर रहा तो इसमें जीरो आंसर है, इसके जीरो नहीं है पॉलिनोमियल इन x। अगर पॉलिनोमियल इन y कह देता हो, पॉलिनोमियल इन y कह देता तो y एक्सिस को एक बार कट कर रहा है तो इसका आंसर 1 होता, अभी फिलहाल इसका आंसर 0 है। सेकेंडली, सेकेंड बार में आइए, x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है 1, तो 1 आंसर, x एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3 3 आंसर, फोर्थ
1 और 2 आंसर 2 जीरोस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 times। तो ये आपने देखा कि x की वैल्यूज कितनी आएंगी, कितने जीरोस हैं, नंबर ऑफ जीरोस x एक्सिस के लिए कह रहा है, x पॉलीनोमियल इन x के लिए कह रहा है। अगर y होता तो y के लिए देखते, y के लिए भी हम देख लेते हैं एक बार, y 1, y पे कितनी बार बैठ कर रहे हैं, 1, y पे 1 0, y पे 1, y पे 1। इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फंक्शन बोले या पॉलीनोमियल बोले एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज 2.1 हमने अभी की, अच्छे से समझ आई होगी, इसमें कुछ है ही नहीं खास। x की जो वैल्यूज हैं कितनी हैं वो बतानी है, पॉलीनोमियल इन x भी हो सकता है, पॉलीनोमियल इन y भी हो सकता है। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन मार्क वाले क्वेश्चनों में आते हैं। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या लिखा है मैंने आपको, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में x की जो वैल्यूज होती है, x की वैल्यूज उसे जीरोस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। x की कितनी वैल्यू होंगी, जितनी डिग्री उतनी वैल्यूज। अगर क्यूबिक है 3 वैल्यूज होगी, बाई क्वाड्रेटिक है 4 वैल्यूज होंगी। अभी क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज, पहली वैल्यू को अल्फा कहते हैं, दूसरी को बीटा, अल्फा बीटा। और फॉर्मूला है इनके लिए, सम ऑफ जीरोस कह दें, सम ऑफ रूट्स कह सकते हैं, सम ऑफ वैल्यूज भी कह सकते हैं, मोस्टली सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। शॉर्टकट फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, वेरीफाइंग के लिए यूज करेंगे हम माइनस बी, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस साइन, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा फॉर्मूला है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से देखना हमने, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं है ये, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं और कोफिशिएंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला दिस वे लिखिए या दिस वे डायरेक्ट लिखिए, कैसे भी यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूलाज हैं, 2 आपके सामने हैं और थर्ड सेकंड समय यूज होगा तो हम उसे उस टाइम बताएंगे आपको। अभी इससे जुड़ा सम एक स्टार्ट करते हैं, इसके लिए क्या होगा बता देता हूं मैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया होगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसे जीरोस फाइंड करेंगे, पहले हम इसके जीरोस फाइंड करने के लिए आप 8th-9th क्लास में सीख के आए हैं स्प्लिटिंग द मिड टर्म, स्प्लिटिंग द मिड टर्म और फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो 8 1 कॉन्स्टेंट टर्म देखेंगे आप और एक्स स्क्वायर के आगे देखेंगे, 1 है, 8 into 1 माइनस का साइन है, माइनस 8, मल्टीप्लाई आया माइनस 8 और सब्ट्रैक्ट या ऐड करके आएगा माइनस 2। जब यहां पे माइनस की है, मल्टीप्लाई माइनस का हो
तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा हमेशा। अब ऐसे फैक्टर ढूंढो 8 के कि सब्ट्रैक्ट करके 2 आ जाए, 4 टू 8, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4, माइनस 2 की जगह हमने लिखा माइनस 4x प्लस 2x। आप देख सकते हैं इनकी मल्टीप्लाई 4 टू 8 माइनस 8 इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अगर आप एक्स स्क्वायर को साथ लेना चाहते हैं तो साथ लें, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई माइनस 8 एक्स स्क्वायर, और सम आना चाहिए, सम या सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए माइनस 2x। तो देखिए माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4, एक्स और एक्स स्क्वायर में से कॉमन कॉमन एक्स, यहां बचेगा एक्स माइनस 4 प्लस इन दोनों में से कॉमन, फर्स्ट टू टर्म्स में से लास्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, प्लस का है तो प्लस का कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, अब फिर से थ्रू आउट कॉमन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो फैक्टर आ चुके हैं, एक्स की वैल्यूज जीरोस रूट्स निकालते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रखते हैं इसलिए x की वैल्यूज को जीरोस बोलते हैं, x इज इक्वल टू 4 ये अल्फा हमारा, बीटा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 ये हमारा बीटा, अल्फा आ गया 4 बीटा आ गया माइनस 2। अभी वो कह रहा है फाइंड आउट द जीरोस, जीरोस हमने फाइंड कर लिए, फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स लाइक दिस, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, कैसे, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हमने पढ़ा माइनस बी बाय, हम एक बार अल्फा प्लस बीटा बिना फॉर्मूले के फाइंड आउट करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, सम सम ऑफ जीरोस, अल्फा हमारा कितना है अल्फा 4, बीटा माइनस 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस 2, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8। अब मैंने देखा है सम भी फाइंड कर लिया प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, तो अब सम फाइंड करेंगे फिर से बाय यूजिंग फॉर्मूला माइनस बाय माइनस बी बाय ए। तो ये वेरिफिकेशन चल रही है फॉर्मूलों की और कोफिशिएंट्स की और रूट्स की जीरोस की, माइनस बी बाय ए चेक करो ए कितना है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्मूला, एक्स के आगे वाला ए वन है यहां पे, एक्स के आगे वाला बी माइनस टू है यहां पे, साइन साथ लेने हैं, सी माइनस एट है यहां पे, इनको यूज करते हैं हम, ए बी सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस साथ लेंगे, बी की वैल्यू प्लस में होती है क्योंकि यहां पे माइनस है तो माइनस साथ ले रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस साइन फॉर्मूले वाला है, बी की वैल्यू माइनस टू, बी की वैल्यू आप देख सकते हैं माइनस टू बाय ए, ए हमारा वन है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस टू आंसर आ गया। आप देख सकते हैं ये और ये सेम है तो हमारी वेरिफिकेशन सही जा रही है। अब अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा फॉर्मूला है सी बाय ए, सी बाय ए प्रोडक्ट फॉर्मूला सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी, सी की वैल्यू हमारी माइनस एट बाय ए, ए की वैल्यू वन माइनस एट बाय वन कितना आ रहा है माइनस एट, ये भी हमारा सेम आया है हेंस वेरीफाइड। बिना सोल्व किए हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, इन फॉर्मूलों से फॉर्मूला से हम
जो सम आगे आएंगे कभी एक्स्ट्रा सम में वो करेंगे। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अब इसके जैसा एक और सम हम लेते हैं और आपको थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं, आपको समझ आ गई होगी फॉर्मूलों का एज इट इज यूज करना है। तो देखिए जरा सेकंड सम, फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट, एक सम हम कर चुके हैं वो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट था 2.2 एक्साइज 6x² - 3 - 7x 6x² एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला है, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर लगाओ इसको, हमारी जनरल फॉर्म ax² + bx + c होती है, तो ए बी सी और फाइंड कर लो। ए x² वाला 6, बी -7, सी कॉन्स्टेंट टर्म -3। अब फिर से स्प्लिटिंग द मिड टर्म फैक्टराइज करेंगे हम इसका। फैक्टराइज के लिए फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई 6 3 18 ±-18x² -18x² मल्टीप्लाई है और -7x सब्ट्रैक्ट करके, जब भी यहां पे माइनस साइन दिखे तो सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा आपका -7x 6x² माइनस 7 के। अब 18 के ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे हम जिसका सब्ट्रैक्ट, जिसकी सब्ट्रैक्शन -7x आती है, तो 9 2 18 9 में से 2 गए 7, बट माइनस का इन दोनों में से किसको लाओगे आप, -7x चाहिए आंसर में, तो बड़े के आगे का साइन, जो बड़ा डिजिट होगा हमारा उसके आगे वाला साइन नेगेटिव होगा, तभी हम -7 में मिलेगा। 9 2 18 ±-18 -9 में से +2 गई -7x 6x² -9x +2x -3। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे, 6 और 9 किसके टर्म में आते हैं, 3 के, x² और x, x कॉमन आएगा। बड़े से बड़े फैक्टर देखना है, बड़े से बड़े फैक्टर को कॉमन निकालेंगे हम, 3 के टेबल में आते हैं 6 और 9, इससे छोटे टेबल में आते हो वो नहीं लेंगे हम, बड़े से बड़ा फैक्टर लेंगे, 3 2 6 2 एक x बच गया है, माइनस 3 3 9 x बाहर हो गया। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जिसका कुछ कॉमन ना हो इसमें 1 कॉमन होता है, बाकी एज इट इज रहेगा अंदर। 2x - 3 थ्रू आउट कॉमन फिर से, और 3x + 1 ये दो फैक्टर मिल गए हैं हम। अब हम अल्फा और बीटा एक्स की वैल्यूज, एक्स के जीरोस, इन दोनों को जीरो के इक्वल रख के निकालते हैं, 2x = 3 x = 3/2 ये हमारा अल्फा है, बीटा 3x + 1 = 0 फाइंड करने के लिए 3x = -1 x = -1/3 ये हमारा बीटा है। एक्स की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, फर्स्ट वैल्यू को हम अल्फा बोल रहे हैं, सेकंड वैल्यू को बीटा। फिर से वेरिफिकेशन की ओर आइए जरा, अल्फा प्लस बीटा पहले सिंपली इनको ऐड करेंगे। हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा आप देख सकते हैं यहां कर रहा हूं इसका वेरिफिकेशन, इस साइड है अल्फा प्लस बीटा 3/2 - 1/3 बीटा की जगह ±-1/3 एलसीएम लेंगे हम, 6 एलसीएम 9 - 2 7/6 इस सम फाइंड कर लिया। अब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा 3/2 - -1/3 कटता काट दो, कैंसिल आउट कर दिया 3 - 1/2। अभी सम फॉर्मूला से फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला है इसका, -b/a b x के आगे वाला, a x के आगे वाला, b by a, b है हमारा -7 a हमारा 6 माइनस साइन ये रहेगा यहां, b -7 था a 6 -+7/6 अल्फा इंटू बीटा
अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं. फॉर्मूला है हमारा सी बाय ए, सी हमारा माइनस थ्री, ए हमारा सिक्स. ए बी सी हमारे पास पड़े हैं यहां पे. सी कितना है हमारा माइनस थ्री बाय ए, ए है हमारा सिक्स, कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस वन बाय टू. अब चेक कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा सेम आया है, अल्फा प्लस बीटा सेम आया है. अगर ये सेम आ रहा है तो हमारी वेरिफिकेशन सही है, हेंस वेरीफाइड. दूसरा सम आपने देखा एज फर्स्ट सम सेम ही था ये बिल्कुल, और वेरिफिकेशन थी हमारी. इसके साथ साथ हल्का सा मैं आपको बता दूं, इफ एक पार्ट है इसका फॉर यू स्क्वायर प्लस एट यू, फर्स्ट सम में एक पार्ट है. अगर यहां पे टर्म पूरी ना हो, लाइक हमारी जनरल फॉर्म ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्स की जगह यू भी हो सकता है, ए बी सी वेरिएबल कोई भी यूज हो सकता है. तो यू स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर है, तो ए हमारा कितना हो गया इसमें फोर, बी बी हमारा कितना हो गया इसमें यू के साथ वाला एट, सी कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, जब है ही नहीं तो जीरो, जीरो होगी हमारी कॉन्स्टेंट टर्म. और इसके जो फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग द मिड टर्म नहीं लगती हमें, फोर यू कॉमन कॉमन आ रहा था, यू प्लस टू रहेगा अंदर, फोर यू एक फैक्टर, यू प्लस टू दूसरा फैक्टर, फोर यू को जीरो के इक्वल, यू प्लस टू को भी जीरो के, अल्फा यहां से फाइंड करोगे बीटा यहां से फाइंड करोगे, यू इज इक्वल टू जीरो बाय फोर जीरो, यू इज इक्वल टू माइनस टू, ये हमारा अल्फा है ये हमारा बीटा. अब देख सकते हैं इस टाइप का एक सम और भी है जिसमें हमें फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिड टर्म यूज नहीं करना, नहीं होता यूज में, इनडायरेक्टली हो भी जाएगा बट आपको ये बेटर रहेगा. दूसरा पार्ट जो इसका रहेगा जिसमें स्प्लिटिंग द मिड टर्म यूज नहीं होगा वो हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम अच्छे से. और सेकंड सम भी इसका पेंडिंग है अभी, फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है मोस्ट ऑफ, एक पार्ट अगर आपसे हो जाए तो अच्छे से करना, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा. होप यू लाइक द वीडियो, फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो. थैंक्स.